आंगनवाड़ी सभी सेविकाओं को मेरा नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कॉम केयर एप्लीकेशन है, आंगनवाड़ी की जो कॉम केयर एप्लीकेशन थी वो पिछले एक साल से मतलब पूरा 2020 में ये कॉम केयर एप्लीकेशन काम नहीं किया है। जिसका कॉम केयर एप्लीकेशन ठीक था उसका डेटा सेंड नहीं हो रहा है, और जिसका ख़राब हो गया है उसका वापस से नहीं ठीक हो रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जिसका ख़राब हो गया है कॉम केयर एप्लीकेशन वो वापस से लॉगिन कर रहे थे, जो सीसीजेड फाइल था उसको इंपोर्ट करने के बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के जैसे ही लॉगिन करते हैं डाटा वगैरह सर्वर वगैरह सब ठीक होता है, लेकिन फिर भी पिछले एक साल से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो जिसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ, 100% सॉल्यूशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बाल विकास परियोजना है, आंगनवाड़ी का जो संस्था है बाल विकास परियोजना, उसके द्वारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। अब आप वापस से काम कर पाएंगे अपने एप्लीकेशंस में, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो वीडियो को पूरा जोर देखते रहिएगा, क्योंकि 2020 में पूरे एक साल से ये प्रॉब्लम आ रही थी। जिसका ख़राब हो गया था वो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पर बताया जा रहा था सर्वर तक नहीं पहुंच सका अपने नेटवर्क कनेक्शन की जांच करें, या फिर जिसका कॉम केयर एप्लीकेशन ठीक भी था इंस्टॉल भी था तो वो सिर्फ काम कर रहे थे, सारा डाटा उन्हीं के पास रहता था, कोई भी डाटा सेंड नहीं होता, सिंक जो करते थे आप लोग, कोई डाटा सेंड नहीं होता था तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं होता था। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किस प्रकार से ठीक करेंगे? तो बाल विकास परियोजना ने इसका सॉल्यूशन लाते हुए ये उन्होंने क्या किया कि कॉम केयर एप्लीकेशन में बहुत सारी समस्याएं थी जो आंगनवाड़ी के रिलेटेड सूटेबल नहीं थी। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती होंगी, तो कॉम केयर एप्लीकेशन को बदल कर उसके जगह एक नया एप्लीकेशन लाया गया है, पोषण ट्रैकर, जिसके बारे में आप अपने सुपरवाइजर से अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में सुने होंगे। और अभी बहुत सारे क्षेत्रों में अभी इसका ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गया होगा, जैसे कि आपको डेमो क्लास करके बताया होगा, आपको एक मोबाइल नंबर और पासवर्ड दिया होगा, बहुत कोई को पता होगा और बहुत कोई सेविकाओं को नहीं पता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये एप्लीकेशन किस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, किस प्रकार से काम करेंगे, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप इस एप्लीकेशन के बारे में सारा कुछ मैं डिटेल दूंगा, इसमें क्या क्या काम होता है, क्या क्या काम मतलब क्या जितना भी काम कॉम केयर एप्लीकेशन में होता था सारा काम इसमें कर सकते हैं और बेटर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो कॉम केयर एप्लीकेशन में एक झमेला था सीसीजेड फाइल का, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, लॉगिन प्रॉब्लम, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो सब प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। इसमें सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर ही आपका पासवर्ड होगा, आपको एक पिन बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से होगा। लेकिन ये भी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होगा, आपका डाटा से चलेगा, लेकिन आपको कोई जो कॉम केयर एप्लीकेशन है 500 MB का होता था, हम इसको ओपन करके दिखा दे रहे हैं, आप जब ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। लेकिन कॉम केयर एप्लीकेशन लगभग मिला जुला के 500 MB का हो जाता था, सीसीजेड फाइल के साथ लगभग 400 से 500 MB का बन जाता था। लेकिन ये सिर्फ 11 MB की एप्लीकेशन है, आपको इंस्टॉल करना है, लॉगिन करेंगे और काम करेंगे, जितना भी काम करेंगे ये ऑनलाइन ही सेव होता है। आप हमेशा आपका एप्लीकेशन अनइंस्टॉल भी हो जाता है तो आप कभी भी वापस से इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि अनइंस्टॉल हो गया तो आपका डाटा उड़ जाएगा, आपको जो डाटा सेंड नहीं किए थे वो सब उड़ जाएगा, वो सब का काम फिर से करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई झमेला नहीं होगा। अब इस एप्लीकेशन में आप आराम से काम कर पाएंगे, सारा कुछ काम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखें तो लगभग थोड़ी सी फेरबदल आपको लाइन्स में लगी होंगी, आपको टाइटल में लगी होंगी, लेकिन जितना काम कॉम केयर एप्लीकेशन में लगभग सारा काम और उससे थोड़ा ज़्यादा ही काम इसमें दिया गया है, आप आराम से इसमें सारा कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन, यहाँ पर इस प्रकार से चिल्ड्रन दिया हुआ है, 0 से 6 मंथ तक यहाँ चिल्ड्रन दिया हुआ है, यहाँ पर 6 से 3 ईयर तक का चिल्ड्रन, 3 से 6 ईयर का चिल्ड्रन, तो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सारा कुछ इंग्लिश में है तो आप लोग क्या काम कैसे करेंगे काम, तो इसमें बहुत अच्छा एक फीचर दिया हुआ गया है कि आप चाहे जो भी लैंग्वेज में आप इसको करना चाहेंगे, आप काम करना चाहेंगे उसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया हुआ है ए और अ लिखा हुआ है, तो इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारा लैंग्वेज आ जाता है, आपको जो सा भी लैंग्वेज आपको
चाहिए, चाहे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, शायद तेलुगु या कुछ है, हमको नहीं पता, मुझे तो इतना ही आता है। तो ज़्यादातर कोई हिंदी यूज करते हैं, तो जैसे आप हिंदी में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको ऑन किया तो यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर इंग्लिश में शो करेगा तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके हिंदी करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा लगभग 5 सेकेंड तक, तो यहाँ पर हिंदी हो जाएगा। आप देख सकते हैं आप सारा कुछ हिंदी में पढ़ सकते हैं, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली माताएं, इस प्रकार से सारा ऑप्शन आपका है। जो भी आपको काम करना है उस कॉलम पर जाके आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस कॉलम में चल जाता हूँ, गर्भवती महिलाएं, जैसे इस कॉलम में जाता हूँ तो देख सकते हैं जितना भी आपने काम किया है, जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन को आपने ऐड किया होगा, सारा कुछ लिस्ट इसमें शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये वाला अभी कुछ भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक डेमो मोड है, ये भी एक डेमो टेस्ट करने के लिए है। तो आप किस प्रकार से रजिस्टर करेंगे उसके बारे में आपको वीडियो में आपको आगे जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहें। तो अभी मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ, सेम टू सेम ऐसे ही होगा, बस यहाँ पर आपके एरिया का जो भी लाभार्थी होगा वो यहाँ पर यूज कर पाएंगे, उनका यहाँ पर नाम वगैरह होगा आपकी तरह से, जैसे कि आप ऐड करें, क्योंकि जब आपको एप्लीकेशन दिया जाएगा तब सारा कुछ आपका ब्लैंक होगा, आपको यहाँ पर लाभार्थी जोड़े, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने क्षेत्र का सारा डिटेल आपको डालना है, जो भी लाभार्थी का नाम होगा, लाभार्थी का नाम, लाभार्थी के पति का नाम, लाभार्थी का आधार संख्या, अगर स्वास्थ्य आईडी कार्ड उनका है तो डालना है, जन्म की तारीख, जन्म का साल, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आप कितने महीने से गर्भवती हैं, या फिर इस प्रकार से अगर जन्म की तारीख, मतलब ये सब तो आप लोग को आता ही होगा सिंपली, जैसे आप लोग काम करते थे वो सब ही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारा ऑप्शन पहले जैसा ही है, तो आप लोग काम कर सकते हैं आराम से, आप लोगों को पता ही होगा सारा कुछ, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा, बाकी सब वही सब काम होगा, तो आराम से कर सकेंगे। ये सब आप फिल करके सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका डेटा जो है ऑनलाइन आपका सेव हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर के साथ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल भी हो जाता है तो वापस से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और सारा डाटा आपका शो करेगा, जो भी आपको जानकारी जरूरत होगी आप इस एप्लीकेशन को खोल के जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि हम कॉमकेयर एप्लीकेशन को खोलते थे, लेकिन आपको अभी अपना कॉमकेयर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि जिसका अभी चल रहा है ऑफलाइन में सारा डाटा उनका शो कर रहा है, तो अभी अनइंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा डाटा सेव है, तो आपको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको अभी अनइंस्टॉल नहीं करना है, इसको सारे अच्छी तरह से सीख लेना है। जब इसमें आपका डाटा वगैरह सेव हो जाए सारा कुछ, मतलब सारा जानकारी आपको इसमें सेव हो जाए, उसके बाद ही आप उसको अनइंस्टॉल करेंगे, ताकि आपको उसका अगर ज़रूरत ना हो तभी अनइंस्टॉल करेंगे, क्योंकि अगर आपको किसी का आधार नंबर, मोबाइल नंबर या कुछ जानना हो तो वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। अभी टेंशन मत लीजिए, अभी मैं बताऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट यूजर करके आ रहा है, क्योंकि ये मैं टेस्ट यूजर वाला बना रहा हूँ आपको बस बताने के लिए, ये डेमो मोड है, तो आप किस प्रकार से रजिस्टर करेंगे इसकी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो देख सकते हैं यहां पर अगर मैं इस ऑप्शन वाले यहां पर क्लिक करूंगा तो क्या आता है, जैसे कि आप उसमें कॉम के एप्लीकेशन में दैनिक पोषाहार करते थे, अटेंडेंस वगैरह आप वहां से बनाते थे, तो इस उसी तरह से यहां आपको अटेंडेंस वगैरह बनाना होगा, तो आप क्या करेंगे देख सकते हैं इस ऑप्शन में आने के बाद क्या लिखा हुआ है, क्या आपने आज आंगनवाड़ी खोला, तो हाँ या नहीं पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सबमिट में क्लिक करेंगे, तो उपस्थिति या हाजिरी, तो कितने बच्चे आए हैं, जो भी बच्चे आए होंगे आपको इस प्रकार से टिक मार्क लगा देना है, इस प्रकार से टिक मार्क में लगा देता हूँ, मान लीजिए मैं इतना बच्चे आए हैं, इतना मैं टिक मार्क लगा देता हूँ। उसके बाद टिक मार्क लगाने के बाद यहाँ पर सबमिट करें और जारी रखें, तो यहाँ पर जैसे ही सबमिट करेंगे हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने बच्चों को आज लंच परोसा गया गर्म पकाया हुआ, तो इस प्रकार से जितने भी बच्चों को लंच परोसा गया, जो जो लंच खाए हैं उनको टिक मार्क लगा देना है इस प्रकार से, मतलब लगभग लगभग सारा कुछ वैसे ही काम है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट आपको चेंज लग रहा होगा, लेकिन काम सब आपको वही है, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए, और कोई मुश्किल होगी होगी भी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिए,
क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो आपको सारा जानकारी आपको मिलती रहेगी। मैं जितना भी कॉलम वहाँ पर शो कर रहा है हर एक का मैं वीडियो बनाऊंगा, सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस मॉड्यूल में आप किस प्रकार से काम करेंगे। तो इतना मैं मान लीजिए टिक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर सबमिट और जारी रखे पर क्लिक करता हूँ। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सारा कुछ बता दूंगा। यहाँ पर TH4 किन बच्चों को TH4 दिया गया, मतलब होम राशन जो दिया जाता है, तो इतना को मैं टिक मार्क लगा देता हूँ। इस प्रकार से आप टिक मार्क लगा के आप फिर से सबमिट करेंगे। उसके बाद आज आपने आंगनवाड़ी में क्या स्पेशल गतिविधियाँ कराई हैं, ज्ञान संबंधी कौशल करवाया या फिर व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताया है, इस प्रकार से जो भी होगा आपने टिक मार्क लगा के सबमिट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो दैनिक पोषाहार है, जो मैं आप लोग सभी दैनिक पोषाहार ही बोलते होंगे कॉम के एप्लीकेशन के अनुसार, तो वैसे ही मैंने बोला, तो वो मैं हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप हर रोज़ की हाजिरी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा, किशोर वह लड़के, मतलब जो भी किशोर लड़के हैं उनका भी यहाँ पर जानकारी आपका शो करेगा, जबकि पहले आपको सिर्फ किशोर जो लड़कियाँ हैं उनका जानकारी आपको मिलता था। तो सारा कुछ उसी तरह है, देख सकते हैं 0 से 6 महीने का बच्चा, 6 से 3 साल का, 3 से 6 साल का, यहाँ पर जैसे मान लीजिए 6 महीने से 3 साल में क्लिक करता हूँ तो इन लाभार्थी जोड़े में क्लिक कीजिएगा। तो लाभार्थी का नाम, आधार संख्या, स्वास्थ्य आईडी, सेम डिटेल आपको फिल करना है जैसे आप फिल करते थे। तो अब हम जान लेते हैं कि आप रजिस्टर कैसे करेंगे, अपने क्षेत्र का आप किस प्रकार से जोड़ेंगे, अपनी महिलाओं को, बच्चों को, सारा डिटेल आप किस प्रकार से डालेंगे, किस प्रकार इस एप्लीकेशन में काम करेंगे। उसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ और सारी मॉड्यूल है, यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पर AWC की स्थिति, AWC, इस प्रकार से सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अब मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से रजिस्टर करना होगा। अब देख सकते हैं जब एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं तो मैं अब बताता हूँ आप खुद से प्ले स्टोर में जाकर किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं, अभी मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर और MPIN मांग रहा है। तो जो आपका मोबाइल नंबर है आंगनवाड़ी की तरफ से दिया गया है, या फिर जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है, दोनों में से कोई एक मोबाइल नंबर होगा जो ट्रेनिंग के टाइम आपका रजिस्टर किया जाएगा। ऐसे ही आप नहीं कर सकते काम, सबका मोबाइल नंबर रजिस्टर किया जाएगा। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर अगर मैं रजिस्टर करे पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ और एक मैं मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। अगर मैं एक मोबाइल नंबर फिल कर लिया, उसके बाद मैं रजिस्टर करे पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, यह मोबाइल नंबर किसी भी आंगनवाड़ी एजेंट के पास पंजीकृत नहीं है, मतलब ये पंजीकृत नहीं है। तो आपका क्या होगा, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आंगनवाड़ी की तरफ से ही पंजीकृत किया जाएगा। बहुत कोई को अभी डेमो मोड में ट्रेनिंग के लिए बुलाया होगा, 1 से 2 दिन का ट्रेनिंग कराया होगा, लेकिन अभी आपका रजिस्टर नहीं कराया होगा, तो आपका वहाँ से रजिस्टर करा दिया जाएगा। आपका मोबाइल नंबर आपका इस एप्लीकेशन में उधर से ही ओला के थ्रू ही रजिस्टर कर दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, 4 डिजिट का MPIN डालेंगे। लेकिन मैं आपको एक अभी मोबाइल नंबर और MPIN प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिसमें आप खोल के आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से काम होता है, किस प्रकार से नहीं, तो आप कोई भी काम कर करके सीख सकते हैं। जैसे कि अभी आपको सुपरवाइज़र के थ्रू दिया गया होगा एक मोबाइल नंबर और MPIN, जिसमें बहुत कोई को पता होगा, बहुत कोई को नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ कि आप क्या डालिएगा, 98 और 8 डिजिट का सिर्फ 1 डाल दीजिएगा, 98 करके बाकी सब 1 डाल दीजिएगा, 10 डिजिट हो जाएगा। उसके बाद आप MPIN में 1111 डाल के आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि खुद से आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ डेमो मोड में आप सीखने के लिए वर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपको काम करना होगा
तब आपका रजिस्टर मतलब जब से ये इसकी शुरुआत की जाएगी, मतलब अभी कुछ दिनों में इसका शुरुआत हो जाएगा। रजिस्टर आप खुद से नहीं कर सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर किया जाएगा, आपको एम पिन दिया जाएगा, आप आराम से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको अपना एम पिन नहीं पता है, जिसमें उसमें प्रॉब्लम होता है कि होता था कि एक उसमें पार्टिकुलर पासवर्ड होता था, फर्स्ट टाइम खोलने के लिए कॉम केयर एप्लीकेशन में एक पार्टिकुलर पासवर्ड होता था, जो एक सीट दी गई थी, एक पेपर जिसमें आईडी पासवर्ड सारा कुछ लिखा हुआ था, तो वो बहुत कोई को गुम जाती थी तो वापस से लॉगिन नहीं कर पाते थे। लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका मोबाइल नंबर ही रजिस्टर्ड होगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो एम पिन को भूल गए वहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के पुनः सेट करें पे क्लिक करेंगे तो एक OTP जाएगा। OTP आप फिल करेंगे तो आप अपना मन से आप कोई भी एम पिन वापस से कभी भी सेट कर सकते हैं। फिर अब जब आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा तो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ, तो ये जो एप्लीकेशन है पोषण ट्रैकर ऐप, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो पोषण ट्रैकर ऐप दो प्रकार की है, लेकिन आपको कौन सी इंस्टॉल करनी है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे पोषण ट्रैकर ऐप करके, तो यहाँ पर देख सकते हैं पोषण ट्रैकर आ चुका है, लेकिन इसका लोगो देख सकते हैं आप, ये वाला लोगो है, यही वाला लोगो का पोषण ट्रैकर ऐप आप इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर जब एप्लीकेशन को खोलेंगे तो यहाँ पर पोषण अभियान करके लिखा होगा, ना कि पोषण ट्रैकर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं पोषण ट्रैकर से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में यहाँ मिलती रहेगी, तो आप आराम से उस वीडियो को देख के पोषण ट्रैकर से रिलेटेड सारा कुछ जानकारी ले सकते हैं। सारी मॉड्यूल्स का मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से उसमें काम करते हैं, तो आप आराम से देख के उसको सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए आपका आईडी पासवर्ड मैंने जो बताया उसको आपको डाल के आप डेमो मोड में आप चला सकते हैं, और आईडी पासवर्ड आपको आपके आंगनबाड़ी तरफ से ही दी जाएगी। उसके बाद आपको उसको लॉगिन करके एम पिन डाल के आप लॉगिन करके अपना जो क्षेत्र का है लाभार्थी है उसका नाम ऐड कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।